इमरान खान की पार्टी वो पार्टी है जो सही रिप्रेजेंट करती है आम आदमी को, और आज का दिन अल्लाह की मेहरबानी से बहुत अच्छा दिन था। पूरे वोट मिले, 186 वोट्स मिले, और मैं तो हैरान थी, वो अपना हमजा साहब जो हैं वो बहुत सारी तारीफें करके चले गए, उनकी बहुत शुक्रिया, हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। वजह ये है, अगर इलेक्शन में कोई गड़बड़ हुई है तो इलेक्शन कमीशन को पूछे, और ये वो इलेक्शन कमीशन है जो इन्होंने खुद बनाई थी, इन्होंने अपॉइंट भी खुद की थी, तो जो बात करनी है उधर करें। आज एक नया दौर शुरू होगा पंजाब के अंदर, और ये दौर इंशाल्लाह खुशहाली का दौर होगा, आम आदमी की ज़िंदगी बेहतर होगी, आम आदमी की ज़िंदगी में वो सहूलतें आएंगे जो आज से पहले कभी किसी हुकूमत में। अच्छा मैडम, आपसे पूछना ये चाह रहा हूँ मैडम, 22 साल से आप लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, लाहौर इनका किला है, ये भी आप तस्लीम करते हैं, 22 साल की स्ट्रगल के बाद भी आप लाहौर से चंद सीटें निकाल सके हैं, तो क्या बेहतर ना होता कि लाहौर का किला मुस्मार करने के लिए आप लाहौर से कोई सीएम लाते? मेरा ख्याल है अहम चीज़ ये है कि लाहौर पंजाब नहीं है, पहले तो ये बात पक्की है, लाहौर पंजाब नहीं है। वो सोचते थे कि लाहौर पंजाब है, हम समझते हैं कि पूरा पंजाब पंजाब है, और इस वजह से हमने एक पसमानदा इलाके से अपना सीएम लिया, और हम बड़े खुश हैं, इसलिए कि ये एक पॉजिटिव स्टेप है। वजह यह है कि पंजाब से हम जीते हैं, कोई लाहौर से थोड़ी जीते हैं। इन लोगों ने अपने रिश्तेदारों के अंदर अन्ना बंडे रेवड़ियों ने मुड़ मुड़ आपने आपने रिश्तेदारों में ही पहले तो उन्होंने देना और फिर करना भी लाहौर। लोग कहते हैं आप लाहौर को देखें और उसकी तरक्की को देखें, हम कहते हैं आप पंजाब को देखिएगा और फिर पंजाब की तरक्की को। नए सीएम साहब है वो थोड़े से आज नर्वस लगे हैं, जहर है उनका इतना तजर्बा भी नहीं है, बहुत बड़ा सूबा है पंजाब का, कोई ऐसी टीम होगी जो इनको असिस्ट करेगी, जो साथ लेके चलेगी, क्योंकि आपको बहुत सारी चीज़ों को मीट करना है, अपने वादे सारे पूरे करना है जो खान साहब ने किए हैं। देखिए इम्पोर्टेंट ये चीज़ है, कोई भी बंदा पहली दफ़ा वो लेता है या बात करता है वो नर्वस होता है। अगर इमरान खान जो है वो नर्वस हो सकते थे, तो मेरा ख्याल है उस्मान बुज़दार का नर्वस होना तो कोई बात नहीं है, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से सबको बताया, और ये भी कहा कि हमारे लिए आप सारे एक हैं, हम हर बंदे के लिए काम करने को तैयार हैं, और उन्होंने जो इम्पोर्टेंट चीज़ है अपनी पार्टी को कहा कि मेरे लिए आप सब, मैं सीएम ज़रूर हूँ, मेरे सब सीएम आप लोग हैं। वजह ये है, हमेशा याद रखिए कि पार्टी काम चलाती है, हमेशा याद रखिए आपकी टीम काम चलाती है, इंशाल्लाह वो एक अच्छी टीम बनाएंगे और जो टीम बनेगी वो डिलीवर भी। अच्छा मैडम, वो कमेटी बनाई है जो पंजाब को चलाएगी, ये तो कोई तरीका नहीं है कि आप कहाँ बनाइए, आपको किसी ने नाम दिए? अच्छा मैम बताइएगा, अच्छा मैडम ये बताइएगा कि उनके ऊपर जो है ना मैडम, जो इनके ऊपर जी उस्मान बज़दार पर जो इल्ज़ाम लगाए गए ऑपरेशन कह रही है, उन्होंने पहले ही कहा कि अरेस्ट पर पहले FIR हैं, उस हवाले से आप क्या? मेरा ख्याल है उस्मान बज़दार साहब ने अपने आप को एक्सप्लेन कर चुके हैं, सारी बातें बता चुके हैं। कबायली इलाकों के अंदर आपको भी पता है कि जब इस तरह की कोई बात होती है तो फिर 10 सारे मोहल्ले के ऊपर आप FIR लिखवाते हैं, और उन्होंने बताया था कि उनकी कोई पर्सनल इन्वॉल्वमेंट नहीं थी, और खान साहब बहुत सेटिस्फाइड है उनकी एक्सप्लेनेशन। अच्छा मैम ये बताइए, उस्मान बज़दार के नाम पे पूरी पार्टी मुत्तफिक है? हम हैं नहीं, नज़र नहीं आ रहे सर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा डॉक्टर यास्मीन राशिद मीडिया से गुफ्तगू कर रही थी, उन्होंने कहा कि स्पीकर कौमी असम्बली खैबर पख्तूनख्वा से चुना गया, इससे जाहिर होता है कि इमरान खान की पार्टी ने आम आदमी को सही अंदाज में पेश किया। ये भी कहा कि इलेक्शन में अगर कोई गड़बड़ है तो इलेक्शन कमीशन से रुजू किया जाए। आगे बढ़े, आपको बताएं कि 9 मुंतखब